आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रांची नगर निगम ने एक बड़ी पहल की है। अब 8 साल से बंद जाकिर हुसैन पार्क की सूरत बदल रही है, संवर रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये पार्क लोगों के लिए सुलभ होगा। जाकिर हुसैन पार्क 72 घंटे में रांची नगर निगम की पहल के बाद इसे एक नया रूप प्रदान किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक बड़ी चुनौती लेते हुए जाकिर हुसैन पार्क का सौंदर्यीकरण रांची नगर निगम के सहयोग से किया गया है। इसमें काम करने वाले सभी मजदूर मिस्त्री नगर निगम के हैं। अब ये जाकिर हुसैन पार्क सुंदर नजर आ रहा है। रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि इसे एक मिशन के तौर पर लेते हुए सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो योजना के तहत में हम लोगों ने जो चैलेंज स्वीकार किया था उसमें ये कि कोई भी ऐसे जगहों को जो खराब पड़ा हुआ है उसको 72 घंटे में ठीक करना है। तो हम लोगों ने जाकिर हुसैन पार्क, अब इसके पहले आप देखते ही होंगे कितने खराब स्थिति थी, नगर आयुक्त और पूरे नगर निगम की टीम ने 72 घंटे में इसको, ये आप जो देख रहे हैं वो करके दिखाया है। तो अस्त व्यस्त था उसको ठीक करके 72 घंटे में नगर निगम ने एक इसको ये चैलेंज के रूप में लेकर के इसको कार्य रूप दिया है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क में बैठने घूमने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें काफी संख्या में वृक्षारोपण भी किया गया है। खराब पड़े टॉय ट्रेन की भी मरम्मत की जा रही है। चालू किया जाएगा, हम लोगों ने जो चैलेंज स्वीकार किया 72 घंटे में करना है तो सब कुछ करेंगे। कारण से पार्क बंद पड़ा हुआ था, आप देख ही रहे थे, पूरा जंगल झाड़ हो गया था। करीब करीब 8 वर्षों से पार्क बंद था और उसको हम लोगों ने 72 घंटे में आम जनता के लिए, मतलब जो देखने योग्य है वो बनाया है। नगर निगम के जितने भी कर्मचारी इसमें लगे हैं सबको इस कार्य के लिए बधाई है, धन्यवाद। आपको बता दें कि पिछले 8 साल की प्रतीक्षा के बाद अब डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क खूबसूरत नजर आ रहा है। रांची नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी अनुबंध कर्मी इसके लिए निस्संदेह बधाई के पात्र है। News 11 भारत के लिए कैमरामैन विशाल के साथ अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।